प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप चीता महोत्सव से बाहर आ गए हों तो रोज हजारों मर रही गायों के बारे में भी सुध लीजिए, क्योंकि जिस गाय पर आपने अपनी राजनीति चमका रखी है आज वो बुरे दौर से गुजर रही हैं। सिर्फ अकेले राजस्थान में लगभग 75,000 गाय बछड़े मर चुके हैं। सरकारी आंकड़ा ही 43,000 का है। पीछे गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी है, जहाँ लंपी वायरस लगातार गायों और उनके बछड़ों को लील रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। बड़ी संख्या में रोज गायें मरती जा रही हैं। इलाज है तो सिर्फ इतना कि बड़ा और लंबा सा गड्ढा खोदा जाता है और मरी गायों को उसमें गाड़ कर भर दिया जाता है। लेकिन कौन चिंता करे, सरकारें सोई हुई हैं, उन्हें कोई जगाता नहीं। गौशालाओं को अनुदान के नाम पर झुंझुना थमाया जाता है। भारी भरकम अनुदान ज्यादातर उन्हीं गौशालाओं को मिलता है जो या तो किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति की है या किसी पार्टी के समर्थक या घोर समर्थक की है। अकेले राजस्थान ने पिछले 3 साल में शराब पर गोशेष लगाकर 1205 करोड़ रुपए कमाए हैं। कहाँ गए कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, सरकार तो कुछ बताने से रही। यही हाल पंजाब का है और उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। मध्य प्रदेश सरकार ने गोशेष लगाया नहीं है, लगाने की बात चल रही है। दरअसल लंपी कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। गायें सिकुड़ जाती हैं, उनके शरीर पर फफोले होने लगते हैं, वे खाना पीना बंद कर देती हैं और 2-4 दिनों में प्राण त्याग देती हैं। वे सड़क पर मरी मिलती हैं, वे घर से खेत के रास्ते में मरी पाई जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में भरी जाती हैं और किसी एक गड्ढे में गाड़ दी जाती हैं, जैसे यही इनका पहला और आखिरी इलाज हो। गाँव में कोरोना से भी ज़्यादा डरा रहा है ये लंपी वायरस। गायों के रंभाने से जो घर गाँव आबाद थे वे सुनसान पड़े हैं, जैसे गाँव नहीं शमशान हो। जिनके घरों में गायों की मौत हुई है वे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके मुंह पर कोई हल्दी फिर गया हो। इस भयानक खौफनाक हालात पर भी कोई ना जागे तो फिर कब जागेगा। लंपी के सामने लंपट व्यवस्था से वैसी भी कोई उम्मीद करना बेईमानी है। जहां चीते का चीता महोत्सव तो मनाया जाता है और पूजनी गायों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें UP Times News।